आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल पाठशाला में। दोस्तों हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ ली है, कुछ हल्के से ग्रुप के एग्जांपल देखे थे। तो अब हम जितनी भी स्टार्टिंग करेंगे उनमें अपने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ सब ग्रुप की चीजें पढ़ेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ग्रुप बनाया था, जी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए विद सिमेट्रिक डिफरेंस वेयर ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब इस ए को एक पर्टिकुलर सेट मानते हैं, अज्यूम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी अब जो आपके पास जी बनेगा वो कितना बनेगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये ग्रुप तो बनाएगा। अब आप जब भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखोगे, आपका ग्रुप सबसे टॉप पे होना चाहिए, उसकी 8 से 10 जो प्रॉपर्टी है वो उसी के नीचे और नेक्स्ट पेज से उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पॉइंट सारे के सारे एक साथ होने चाहिए ताकि आपको लास्ट में जाके कभी भी शॉर्ट नोट्स बना के देने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो आप अभी से चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ जी, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, और ये कितनी होती है एग्जैक्टली 2 की पावर एलिफ नॉट विच इज अनकाउंटेबल। ये आपने रियल एनालिसिस में पढ़ लिया है। तो ये ग्रुप कैसा है, जी इज ऑफ अनकाउंटेबल ऑर्डर। क्या ये ग्रुप अभिन्न होता है, इसमें डिस्कस करा था कि अगर आप ये बाइनरी ऑपरेशन लोगे तो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो दिस इज अबेलियन। प्रॉपर्टी नंबर 3, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी आई थी, आपने एक कोई भी अगर रैंडम कोई भी रैंडम सेट लिया था तो उस सेट के लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, एम्प्टी सेट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज द एम्प्टी सेट। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आपने इसके इनवर्स की बात करी थी तो इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या आता था, वो सेम एलिमेंट आता था, यानी कि इसमें अगर आपने कोई भी एक एक्स पिक किया था तो एक्स को अगर आप 2 बार ऑपरेट कर रहे थे तो आपके पास आइडेंटिटी आ जा रहा था, यानी कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स थे, बस आपने एक को रिस्ट्रिक्ट कराया नेचुरल नंबर में। तो इसमें भी सारे के सारे जो एलिमेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हर कोई ऑर्डर 2 का रहेगा या सेल्फ इनवर्स रहेगा, तो एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। और अगर अगर किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जाते हैं एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो ग्रुप कैसे हो जाता है, हमेशा अबेलियन हो जाता है। तो या तो आप डायरेक्ट उसके बाइनरी ऑपरेशन से देखो, या फिर अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसमें एक्सेप्ट आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट आपका ऑर्डर 2 का या सेल्फ इनवर्स हो जाता है तो वो ग्रुप अबेलियन हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे डिटेल में। तो ये दोनों लिंक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं सब ग्रुप की, तो पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन देते हैं देन इसके सब ग्रुप की बात करेंगे। सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर, लेट एच बी अ सबसेट ऑफ जी, लेट एच बी अ सबसेट ऑफ जी, देन H is called subgroup. This sign is for subgroup. H is subgroup of G if H is group in itself under same binary operation as G. अब G का कोई भी subset लीजिए, अगर वो अपने आप में group बना रहा है और under same binary operation as G, यानी कि जो G का operation है वही अगर एक H का ऑपरेशन है, then we say this H is a subgroup of G. अगर आपको किसी के भी subgroup बनाने हैं, subgroup verify करना है, तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा टेस्ट है, 1-step test. उसको verify करते हैं, then उसके बाद इसके subgroup बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं 1-step test for subgroup. ये डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिएगा। वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप, पहले टेस्ट लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं कि टेस्ट, इसको वन स्टेप टेस्ट क्यों बोला जाता है। लेट एच बी अ सबसेट ऑफ जी, एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच।
H is a subgroup of G if and only if AB inverse belongs to H for every AB belongs to H. तो देखिए आप इसका one step one side तो true है. अगर मैं assume करता हूँ let H is a subgroup of G तो आपको show करना है कि AB inverse belong करेगा H में. तो this is trivial क्योंकि अगर ये subgroup हो गया तो अपने आप में group होगा और अपने आप में group होगा तो इस B का inverse exist करेगा. तो B inverse हमेशा इसका member होगा. AB इसमें already है तो इनकी जो closer property है AB inverse जिसको binary operation बोलते हो तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा. तो यानी कि ए बी इनवर्स हमेशा एच में आएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच. अगर एच बिलोंग्स टू जी है दिस मस्ट इंप्लाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच. व्हाट अबाउट कन्वर्स पार्ट? यहां पे जो मैंने लिखा है ये इफ एंड ओनली इफ लिखा है. क्या अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच तो क्या एच सब ग्रुप होगा? अब अज्यूम कर ले AB inverse belongs to H for every AB belongs to H. क्या यहां से imply कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप बनाएगा या अपने आप में ग्रुप बनाएगा? देखिए ये H का सबसेट तो ऑलरेडी है. अगर आपने इसको शो कर दिया कि दिस इज अ ग्रुप इन itself तो ये सब ग्रुप हो जाएगा. तो इसको ग्रुप शो करते हैं. देखिए अगर आप A और B को दोनों को सेम चूज कर लेंगे आपके पास क्या गिवन है? AB belongs to H. This must imply AB inverse belongs to H. ये गिवन है आपको. अगर आप A is equal to B कर दोगे तो AB inverse belongs to H. That means AA inverse which is identity belongs to H. This implies H is a non-empty. या अगर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर A equal to B हो गया तो AA inverse is equal to E यानी कि identity हमेशा H में आ रही है. Associativity check करने की requirement नहीं है क्योंकि associativity आपकी operation based property है. मैंने आपको बताया था कि अगर larger set पे associativity hold हो रही है तो वो हमेशा उसके smaller subset पे हमेशा होल्ड होगी क्योंकि एसोसिएटिविटी हमेशा ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है. अब बात करते हैं क्या इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स है. तो आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो आप ए को ई पुट कर दीजिए और बी तो इसमें ऑलरेडी है. अगर आप जैसे ही ए को आइडेंटिटी पुट करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा यहां से? बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एच. ये मिल जाएगा यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये कैसा हो गया? ये अपने आप में ग्रुप बन गया क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स आ गया. बाइनरी ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है. आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया. एसोसिएटिविटी ग्रुप से आ रही है. तो ये एक ऐसा मोनाइड बन गया जिसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो H इज अ सबसेट ऑफ G. H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू H. इस कंडीशन का मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंगफुल है. इसका पूरा मीनिंग ये है. यहां से आप हर एक एलिमेंट का इनवर्स दिखा सकते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी दिखा सकते हैं. तो दिस इज अ वन स्टेप टेस्ट. अगर आप मेरे को फर्दर कभी भी मेरे को सब ग्रुप चेक करना है तो मैं हमेशा क्या दिखाऊंगा कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स इज इन एच. तो ये आपके बहुत काम का है. आगे चलते हैं. अब जो हम ग्रुप पढ़ते हैं इस ग्रुप के सब ग्रुप बनाते हैं. अगर मैं आपसे बात करूं इसके सब ग्रुप बनाने की फिर काउंटिंग देखेंगे. आपको नेचुरल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट चूज करना है तो क्या करते हैं? लेट ए बी सबसेट ऑफ एन. क्योंकि इसमें क्या आएंगे? जो सबसेट है नेचुरल नंबर के. तो आपने क्या करा? नेचुरल नंबर का कोई सबसेट लिया. तो आप इंप्लाई कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे ही आपने एक को सबसेट चूज करा नेचुरल नंबर का दिस डायरेक्टली इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर. एंड तब आप एक जी ऑफ ए डिफाइन कर सकते हैं. पावर सेट ऑफ ए विद सिमेट्रिक डिफरेंस. और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई कर चुके हैं कि दिस इज अ ग्रुप क्योंकि ये आपने किसी भी ए के लिए चूज करा था. अब यहां पर आप ए को नेचुरल नंबर का ही एक सबसेट ले रहे हैं तो आपको अगर यहां के सब ग्रुप बनाने हैं तो सब ग्रुप का कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा इस टाइप से करना होगा. यहाँ पे आप जब भी सब ग्रुप बनाओगे कंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसा रहेगा. आप कभी भी नेचुरल नंबर के कोई से भी सबसेट चूज कर सकते हो और उनसे पावर सेट ऑफ ए को डिफाइन करके एक सब ग्रुप हमेशा बना सकते हो. अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप, अब मैं कभी भी लिखूंगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आप सब ग्रुप बना रहे हो सर वो फाइनाइट ऑर्डर का बना रहे हो या इनफाइनाइट ऑर्डर का बना रहे हो. सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि आपको हमेशा उनको कैटेगराइज करना है फाइनाइट ऑर्डर का है या इनफाइनाइट ऑर्डर का है. तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इधर डिस्कस करते हैं फाइनाइट ऑर्डर की और इधर डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर की.
अभी अभी आपको रियल में जो वीडियो मिली थी लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर है तो उसके इनफाइनाइट सबसेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, यानी कि आपके कितने सबसेट होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है नेचुरल नंबर के पास, तो वो डिफाइन कर रहा था कि अनकाउंटेबल होते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विद इनफाइनाइट कार्डिनलिटी। वहां दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट, एक तो आप फाइनाइट कार्डिनलिटी के चूज कर सकते हो और एक इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के चूज कर सकते हो। तो अगर आपको इनफाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप बनाने हैं तो आप क्या कीजिए, एक ए को चूज कीजिए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर और ए के पास कितनी चॉइसेस होंगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का सबसेट है तो इसके पास अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं। तो आप हर ए के करस्पॉन्डिंग एक जीए तो डिफाइन कर सकते हैं, हर ए के करस्पॉन्डिंग एक जीए बना सकते हैं। तो यहां पर ए के लिए अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, तो आप ऐसे अनकाउंटेबल जीए डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। तो इनफाइनाइट ऑर्डर भी हमेशा आपके पास अनकाउंटेबल सब ग्रुप बन जाएंगे। अब मैं बात करूं फाइनाइट ऑर्डर की, आप कितने बना सकते हो, तो फाइनाइट ऑर्डर के बनाते हैं। देखिए आप यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपने ए को चूज करा नेचुरल नंबर का सबसेट और ए क्या है फाइनाइट कार्डिनलिटी का, तो आप जीए को हमेशा तो डिफाइन कर पाओगे, लेकिन क्या जीए ही बना पाओगे, इसके अलावा भी तो बना पाओगे, तो एटलीस्ट जीए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट लिखते हैं फाइनाइट कार्डिनलिटी के इसके सब ग्रुप बनाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बनाता हूं मैं, एक ऑर्डर टू का सब ग्रुप बनाता हूं। लेट एच बी अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एच को मैं कैसे बना रहा हूं वो ध्यान से समझना। एक एम्प्टी सेट ले रहा हूं क्योंकि मेरे को जब भी सब ग्रुप बनाना है तो उसके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है इस सेट की, इस ग्रुप की, एम्प्टी सेट है, और एक कोई सा भी एक एलिमेंट पिक कर लेता हूं, वेयर एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। सॉरी ये एलिमेंट है, यहां पर मैंने सबसेट चूज किया है, तो मैं एक एच बना रहा हूं। एच में क्या, मैंने एम्प्टी सेट लिया है और एक्स लिया है, वेयर एक्स इज अ मेंबर ऑफ पी ऑफ ए। क्या ये सब ग्रुप बनाएगा, इसके सब ग्रुप बनाने के लिए क्या करनी चाहिए कि ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, या तो ये होना चाहिए या फिर एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ, एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। तो आप एच को अगर डिफाइन करोगे विद सिमेट्रिक डिफरेंस तो ये हमेशा ग्रुप बन जाएगा, ये एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर है, इस एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर है, बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, तो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। तो यानी कि आपने एक नया सब ग्रुप बनाया जिसका ऑर्डर टू है, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एच इज टू, तो ये फाइनाइट कार्डिनलिटी का सब ग्रुप बन रहा है। तो आप ऐसे कितने सब ग्रुप बना सकते हैं, और आपने एक्स को कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक करा है, आपने पहले ही डिफाइन करा हुआ है कि इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो टू है, या फिर इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, तो इस एक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं। आप पी ऑफ ए में से, सॉरी पी ऑफ एन करो से, आप पी ऑफ एन में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, और पी ऑफ एन की कार्डिनलिटी टू की पावर एलिफ नॉट, आप इन टू की पावर एलिफ नॉट में से कोई सा भी एक रैंडम एलिमेंट पिक करके हमेशा एक ऑर्डर टू का सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस x के पास कितनी चॉइसेस हैं, जितनी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, तो देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 के ही आपके पास अनकाउंटेबल हो गए तो आपके पास फर्दर और सब ग्रुप तो बनेंगे ही बनेंगे जो 2 की पावर समथिंग के होंगे, तो आप एटलीस्ट अनकाउंटेबल तो डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पर पॉइंट नंबर 7 लिखना या 6 जो भी हो, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज अनकाउंटेबल। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो खुद भी अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी का है, जिसके पास फाइनाइट ऑर्डर के भी अनकाउंटेबल सब ग्रुप है और इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के भी अनकाउंटेबल सब ग्रुप है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पे आता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास एक पेज में हमेशा नोट होनी चाहिए और नेक्स्ट पेज से उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर आपको इंटरव्यूज वगैरह भी अटेम्प्ट करने हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, तो इनकी थ्योरी भी सारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब एक नया ग्रुप पढ़ते हैं,
सेट डिफाइन करता हूं मैं, g ऑफ a कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस विच आर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू a. तो g ऑफ a डिफाइन किया कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन फ्रॉम a टू a. तो जैसे आपके पास आप कोई ग्रुप बना रहे हो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए. तो बाइनरी ऑपरेशन अज्यूम करते हैं कंपोजिशन, यानी कि अगर आप इसके कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो f स्टार g इज डिफाइंड एज f o g. तो इसके बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है. सबसे पहली, क्या ये ग्रुप बनाएगा? तो ग्रुप बनाने के लिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. तो देखिए ये वन वन ऑन टू फंक्शन है. अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन. तो इसकी जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमेशा इसकी आइडेंटिटी बनेगी. तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. एसोसिएटिविटी आप जानते हो, अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कंपोजिशन करके तो एफ ओ जी ओ आप एफ वन ओ एफ टू ओ एफ टू एफ थ्री, या तो आप इसको पहले ऐसे करो या देन पहले एफ वन एफ टू को ऑपरेट करो देन एफ थ्री ऑपरेट करो, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा. तो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव. क्या इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा? तो देखिए यहां पर वन वन ऑन टू फंक्शन है और जब भी आपका फंक्शन वन वन ऑन टू होता है तो इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है. अगर फंक्शन वन वन या ऑन टू नहीं है तो इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. आप जो डिफाइन करते हो एफ इनवर्स ऑफ ए, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि जब भी आप ये सेट डिफाइन करते हो एफ इनवर्स ऑफ ए, इसमें क्या आता है, ठीक से डिफाइन करते हैं इसको, लेट एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू ए. अभी ये वन वन ऑन टू के बारे में कुछ भी चीज नहीं पता, तो आप एफ इनवर्स ऑफ ए डिफाइन करते हो. इसका जो f inverse of a होता है वो define कहाँ से होता है, a से a पर, यानी कि जो आपका ये set होता है वो पहले आता है. चाहे तो आप इसको कुछ अलग भी ले सकते हो, a to b कर सकते हो, then this is defined from b to a. तो f inverse of b ये कैसे define होगा? x belongs to a such that f of x belongs to b. तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर फंक्शन वन 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 टू नहीं होता तो ये define कैसे होता है, ये आपने पढ़ा होगा. तो ये इसलिए डिफाइन होता है क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करे या नहीं करे आप इसको हमेशा एक सेट की तरह डिफाइन कर दो. तो दिस इज अ सेट नॉट अ फंक्शन. तो यहां पर आप इसको फंक्शन नहीं बना रहे हो, आप पर आप सिर्फ इसको एक इनवर्स सिर्फ एक सेट बना रहे हो. तो ये क्या है, इनवर्स इमेज, इसको बोलते हैं इनवर्स इमेज सेट. तो इसका और वन वन ऑन टू का कोई रिलेशन नहीं है, आप इसको हमेशा बना सकते हो क्योंकि ये एज अ सेट डिफाइन होता है. अब आती है यहाँ पे इनवर्स की बात. तो दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, और वन वन ऑन टू केस में आपका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो रही है. तो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप, तो ये ग्रुप तो बनाएगा. क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा? क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा? आपने कभी पढ़ा होगा एफ वन एफ टू एक्स नीड नॉट टू बी इक्वल टू एफ टू एफ वन एक्स. इसके लिए आप एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. सपोज एफ को डिफाइन कर लेते हैं आर से आर पे, और एक एफ वन एक्स लेते हैं ई की पावर एक्स, और एक एफ टू एक्स ले लेते हैं से साइन एक्स. दोनों ही वन वन ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन जो हम लेंगे वो वन वन ऑन टू लेंगे. एफ एक्स को ले लेते हैं से एक्स प्लस वन, और एफ टू एक्स को ले लेते हैं से वन माइनस एक्स. एफ वन एक्स को ले लिया एक्स प्लस वन, एफ टू एक्स को ले लिया वन माइनस एक्स. तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि दिस दिस बोथ आर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. इस केस में अगर आप एफ वन एफ टू निकालोगे तो एफ वन ओ एफ टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ वन एफ टू एक्स की जगह वन माइनस एक्स, f1 of 1 minus x, तो इसमें आप x का 1 minus x रख दीजिए, तो 1 minus x ये कितना हो जाएगा 1 minus x plus 1, that is minus of x. और अगर आप f2
ओ एफ वन को निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ वन सॉरी एफ टू ओ एक्स प्लस वन। अब आपको इस x की जगह x प्लस वन पुट करना है, यू विल गेट वन माइनस एक्स माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा टू माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो कि एफ वन एफ टू इज नॉट इक्वल टू एफ टू एफ वन, तो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो दिस इज नॉट अबेलियन ग्रुप। ये सेट समझ में है। अब इस सेट को डिफाइन करते हैं कि इसकी आप कार्डिनलिटी क्या क्या बना सकते हो। थर्ड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप और कार्डिनलिटी ऑफ दिस ग्रुप। अगर मैं ए की कार्डिनलिटी कुछ फाइनाइट चूज करता हूं, लेट ए, तो आप किसी फाइनाइट सेट से किसी फाइनाइट सेट पर हमेशा वन वन ऑन टू फंक्शन कितने बना सकते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल एन बना सकते हो, ये आपको रियल एनालिसिस में पढ़ाया गया हुआ, नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू अ फाइनाइट सेट, तो ये हमेशा फैक्टोरियल एन बन जाएंगे, तो दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। लेकिन अगर आप जैसे ही ए की कार्डिनलिटी को इनफाइनाइट चूज करोगे, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे आपने इसको इनफाइनाइट चूज किया इसकी स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी कितनी होगी, एल इफ नॉट, क्योंकि एल इफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर। तो अब ये कितने बनेंगे, आप कितने वन वन टू फंक्शन बना सकते हो किसी इनफाइनाइट सेट से किसी इनफाइनाइट सेट पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल में भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे। ए की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, तो ए को सबसे पॉसिबल केस लेके देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट केस। If I choose A to be a set of natural number, let us define G of n, collection of all function which are one one and on two and defined from natural number to natural number. तो आप ऐसे कितने function बना सकते हो जो natural number से natural number पे define हो और one one और on two हो, countable या uncountable। ये question बहुत अच्छा question हो सकता है, अगर आप किसी interview में बैठे हो तो ये question आपको वहां मिल सकता है, या आपको कभी किसी objective exam में नहीं मिले हो। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले एक चीज नोट कीजिए फिर इस पे चलते हैं। मैंने ए को चूज करा है सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। अगर आप लोगों ने एक चीज सुनी हो, SN ये ग्रुप बनाता है सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइंड ऑन एन सिंबल्स, सिर्फ इसी का एक्सटेंशन है ये जो आपने ये बनाया, दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ SN और दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस GN। तो आगे जाके इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रुप्स आप बनाओगे वो सारे ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हुए हैं। जब हम कैलकुलेटर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपके जितने भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप हैं वो सारे SN के किसी ना किसी एक सब ग्रुप के आइसोमोर्फिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हो। Let x be any subset of natural number. मैं x का x कोई भी एक सबसे लेता हूं natural number का. And x is non-empty and x is not equal to n. और एक और restriction लगाते हैं कि cardinality of x is infinite. Cardinality of x is infinite. एक function define करता हूं मैं, say tx. Is defined as some gx and some hx. ये चीज बहुत अच्छे से समझना, ये कंस्ट्रक्शन समझ लोगे तो आगे ये चीज आपको समझ में आती जाएंगी। When x belongs to x and x belongs to capital X complement, where g is defined from x to x, ये x से x well defined हुआ क्योंकि x is a non-empty set, and जो ये h है ये x complement से x complement पे define है, and this is also well defined क्योंकि अगर x non-empty है और x natural number के equal नहीं है तो आप यहां से लिख सकते हो कि x complement is non-empty, तो this is also well defined। g क्या है, x से x पे 1 1 on 2, और h क्या है, x complement से x complement पे 1 1 on 2। तो आप देख सकते हो जो ये tx है ना, ये हमेशा इसके अंदर ही लाई करेगा क्योंकि आपने जो सेट लिए वो नेचुरल नंबर के सेट लिए, तो मैंने इसके कुछ पर्टिकुलर केस को यहाँ पे डिफाइन करा है।
यानी कि मैं एक कुछ ऐसे फंक्शन बना रहा हूँ जो इस टाइप से डिफाइन हो रहे हैं, जिसमें मैंने कोई एक्स को चूज करा है जो आपका नेचुरल नंबर का सबसेट है और उसको इस टाइप से डिफाइन करा है, तो मैं ऐसे कितने फंक्शन बना सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस जी एन, आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस जी एन, क्योंकि आपका एक्स भी नेचुरल नंबर में है और एक्स कॉम्प्लीमेंट भी आपका नेचुरल नंबर में ही आ जाएगा। तो आप ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं, जितनी आपके पास एक्स पे चॉइस होगी उतने तो एटलीस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्स क्या है, एक इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो जो आपने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ी है वो आपकी भले ही एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन उसका यूज ग्रुप थ्योरी में हम बहुत ज्यादा करेंगे। मैं आपको इस नेचुरल नंबर के सबसेट से बहुत सारी चीजें कनेक्ट करूंगा। तो नेचुरल नंबर के सबसेट इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के अनकाउंटेबल होते हैं, तो आप हर एक एक्स के लिए एटलीस्ट एक टी एक्स डिफाइन कर सकते हैं, हर एक एक्स के लिए एटलीस्ट एक टी एक्स। तो आपके पास एक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, तो आप यहां पर अनकाउंटेबल टी एक्स डिफाइन कर सकते हैं। टी एक्स इज ऑलवेज मेंबर ऑफ दिस जी एन, दिस टी एक्स इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ दिस जी एन। तो यहां पर आप अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टी एक्स डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पर आपके जी एन में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 7 आप लिख सकते हैं, या जो भी पॉइंट है 3-4 वो आप लिखते हुए चलना, इसको समझते हुए चलना। ऑर्डर ऑफ जी फैक्टोरियल एन व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ इज एन, और अगर इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो गई, तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट केस लिया था व्हेन ए इज अ नेचुरल नंबर, तो यहां पर ये अनकाउंटेबल आ जाएगा। अब ये चीज समझ में आई, तो ये भी एक बहुत अच्छा ग्रुप है, हम ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप्स बनाएंगे वो सारे इसके अंदर बैठे हुए ऑलरेडी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको एसएन डिफाइन करूंगा, हम एसएन डिफाइन करेंगे, एसएन डिफाइन करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एसआर भी आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर एसएन पढ़ा हुआ है तो ये सब ये ग्रुप नहीं बनते, ये भी ग्रुप बनते, तो इनको भी पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में। ये ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज डिफाइन करते हैं, इसके कुछ सब ग्रुप बनाने के लिए ट्राई करते हैं। जी ऑफ एन लेते हैं, सेट ऑफ ऑल 1-1-2 फंक्शन विच इज डिफाइन फ्रॉम एन टू एन। अब इसके सब ग्रुप बनाने का तरीका देखना, लेट एक्स बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन, एक्स बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। प्रॉपर का मतलब आपको पता है कि ये कभी n के इक्वल नहीं होगा, और एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि h इज नॉन एम्प्टी। एक gx डिफाइन करते हैं या hx डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ gn, gn में क्या आ रहा है, सिर्फ फंक्शन आ रहा है, such that fx equal to x for every x belongs to capital x। मैंने क्या करा, जी एन के वो सारे फंक्शन कलेक्ट करे जो एफ एक्स को एक्स पर मैप कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो इनको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या ये एच एक्स सब ग्रुप बनाएगा, एच एक्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ एन। अगर आप इसके कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ए बी इनवर्स हमेशा इसके अंदर आएगा। तो पहली बात तो ये देख सकते हैं कि दिस एच एक्स इज अ नॉन एम्प्टी, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1-1-2। तो आप यहां से लिख सकते हो कि आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एक्स इज ऑलवेज मेंबर ऑफ एच एक्स, दिस इंप्लाइज एच एक्स इज नॉन एम्प्टी। अब आपको वेरीफाई करना है वन स्टेप टेस्ट से क्या ये सब ग्रुप बनाएगा। इसे कोई दो एलिमेंट पिक करते हैं, लेट some f1 and g1 be the member of this hx, then f1 o g1 inverse of x। अगर g1 इसका member है hx का, और hx में क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ identity functions आ रहे हैं, तो inverse of identity function is again identity function, तो this is identity function, that means f1 of x, और f1 is a member of hx, तो ये भी x को हमेशा x पर मैप करेगा, तो दिस इज सिंपली एक्स। तो दिस एफ वन ओ जी वन इनवर्स अगेन एन आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इंप्लाइज दिस एफ वन जी वन इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ एच एक्स, हेंस दिस एच एक्स फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ
जी एन, तो आप यहां पर कितने सब ग्रुप बना सकते हो, जितनी आपके पास एन के सबसेट होते हैं। तो चॉइसेस फॉर एक्स, चॉइसेस फॉर एक्स, अब वो डिपेंड करेगा आप एक्स की कार्डिनलिटी फाइनाइट चूज कर रहे हो या इनफाइनाइट चूज कर रहे हो। अगर आप एक्स की कार्डिनलिटी को फाइनाइट चूज करोगे तो नेचुरल नंबर के पास फाइनाइट कार्डिनलिटी के काउंटेबल सबसेट होते हैं, तो आप यहां पर काउंटेबल सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्स को इनफाइनाइट चूज कर लिया तो आप इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के हमेशा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन कर सकते हो नेचुरल नंबर की, तब आप उस केस में ऐसे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हो और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप भी बना सकते हो जो एच एक्स टाइप के होंगे। अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज बताता हूँ, हो सकता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपको चीज जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप एमएससी में जाओगे तब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सारा कंस्ट्रक्शन सीख कर आए हो, क्योंकि एमएससी में अगर आपको मॉडल अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी तो वो साइलो के बाद स्टार्ट होगी, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और आपके पास अभी टाइम बहुत है, आपके एग्जाम में पूरा एक साल पढ़ा हुआ है, तो मन भर के जितनी चीजें आप सीख सकते हैं ना आप उतनी चीजें सीख के जाइए। इसी के अंदर बात करते हैं जी ऑफ नेचुरल नंबर अंडर कंपोजिशन। इसमें मैं एक्स को चूज करता हूं एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज या फिर कुछ स्टेप्स डिफाइन करता हूं। नेचुरल नंबर माइनस वन टू अप टू एन, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर के वो सारे सेट आ रहे हैं जिनमें वन टू अप टू एन से लेकर कोई सिंबल नहीं है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मोर ओवर इट इज नॉन एम्प्टी, तो आपने क्या करा, नेचुरल नंबर लिया उसमें से कुछ फाइनाइट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो आपने एक सेट बनाया। नेक्स्ट एक एच एक्स अलग से डिफाइन करता है, ये एच एक्स और जो प्रीवियस डिफाइन करा है वो दोनों अलग अलग है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वो नाम इनको दे सकते हैं। मैं एच एक्स में वो सारे फंक्शन ले रहा हूं जो एलिमेंट है जी ऑफ एन के सच दैट जिनको एफ सेल्फ इमेज कर रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट हियर, वन टू अप टू एन, तो जो आपने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करे थे अगर आप उन एलिमेंट्स को ले रहे हो तब ये हमेशा एफ एक्स को एक्स पर मैप कर रहा है, सॉरी उसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये चूज करते हैं एक्स में से, यानी कि एच एक्स में वो सारे फंक्शन आ रहे हैं जो सेल्फ इमेज हो रहे हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ इमेज, आप लिख लो इसका मतलब सेल्फ इमेज आइडेंटिटी फंक्शन और फिक्स पॉइंट, ये तीनों ही सेम वर्ड है। फिक्स पॉइंट क्या होता है, जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एक्स को एक्स पे मैप करता है, और सेल्फ इमेज का मतलब होता है जो एलिमेंट सेल्फ इमेज हो रहा है, यानी कि यहां पे एक्स की इमेज आपको एक्स ही मिल रही है, तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग अभी सेम है। तो आपने जो एच एक्स बनाया उसमें वो सारे फंक्शन कलेक्ट करें जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर मैप कर रहे हैं, एक्स इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि यहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर की इमेजेस पता है बट इनकी इमेजेस आपको नोन नहीं है, आपके पास इनकी इमेजेस नोन नहीं है, तो अब यहां पर आप एक नया सेट बना सकते हैं। यहां पर एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप में से किसी ने SN पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ ऑल 1112 फंक्शन ऑन एन सिंबल्स, ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल 11 फंक्शन फ्रॉम अ सेट A to A, where cardinality of A is n. तो क्या आप ये चीज समझ सकते हैं कि HX is isomorphic to SN? क्या HX हमेशा SN के isomorphic होगा? इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अभी ये इनको ही समझ में आएगी जिन्होंने isomorphism पढ़ रखी है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रही वो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लो। जब मैं आपको isomorphism पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज बताऊंगा। बट अभी भी आप नोट करते हुए चलना कि HX is isomorphic to SN. किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखते हैं, इफ आई चूज एन इक्वल टू टू, इफ आई चूज एन इज इक्वल टू टू, तो आपके पास एक्स कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर माइनस वन कॉमा टू, ठीक है।
देन एच एक्स क्या आपका, वो सारे फंक्शन आ रहे हैं जी एन के जिनमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देखिए अगर x कैपिटल x में से आ रहा है तो ये हमेशा उसको सेल्फ इमेज कर रहा है, यानी कि आप पूरे नेचुरल नंबर को आपको सेल्फ इमेज करना पड़ेगा एक्सेप्ट 1, 2, यानी कि यहां पर सारे एलिमेंट्स की इमेजेस फिक्स है एक्सेप्ट 2 एलिमेंट, यहां पर 1 और 2 की इमेजेस फिक्स नहीं है। तो आप ये चीज लिखो या Sn को लिखो, Sn क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल 1 1 और 2 फंक्शन सच दैट f इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट विद 2 एलिमेंट्स टू द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो आप चाहे ये डिफाइन करो चाहे ये डिफाइन करो, यहां पर भी ये 1 1 और 2 होना चाहिए, यहां पर ऑलरेडी 1 1 और 2 है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि HX and SN आर आइसोमॉर्फिक, यहां पर आपको सिर्फ दो एलिमेंट की इमेजेस फाइंड करनी है, यहां पर भी दो एलिमेंट की इमेजेस फाइंड करनी है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपकी सारे एलिमेंट्स की इमेजेस फिक्स हैं, यहां पर सारे एलिमेंट सेल्फ इमेज हैं एक्सेप्ट टू एलिमेंट्स 1 एंड 2। तो फॉर n इक्वल टू 2 दिस HX इज आइसोमॉर्फिक टू SN। अगर आप n को 3 चूज करोगे तब आप देख सकते हो कि HX इज आइसोमॉर्फिक टू S3 जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे S3, इसमें आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2 ये सारे आएंगे। तो इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, बस मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आप यहां से भी हमेशा ग्रुप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ SN को ही पढ़ के आए हो, यहां से भी आप ग्रुप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का मोटिव सिर्फ यही था कि मैं आपको इन चीजों से इंट्रोडक्शन दे सकूं कि इस टाइप के ग्रुप आप कैसे बनाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है ना, आप उस एलिमेंट से हमेशा एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हो। तो एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप जनरेट्स अ सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ये सारी चीजें मैं लास्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा और जितनी चीजें आप सीख सकते हो ना उतनी चीजें सीख करके जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।